Okay, then let's proceed to the next topic, tangents and normals. Okay, third topic. पहला topic जो हमने देखा था, it was rate of change of quantities. Second topic जो हमने देखा, it was increasing and decreasing function. Now we proceed to the next topic, tangents and normals. Okay. Now see, let y is equal to fx be a curve and x1 y1 be a point on the curve. ये रहा आपका curve y is equal to fx. और यहाँ पे एक point है x1 y1. ओके, इस पॉइंट x1 y1 पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया. दिस इज द टेंजेंट एंड यू ड्रॉ द नॉर्मल. सबसे पहले नॉर्मल होता क्या है, व्हाट इज नॉर्मल? ओके, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. टेंजेंट क्या है, एक लाइन है. ओके, ये एक लाइन है. इस लाइन पे बहुत सारे परपेंडिकुलर आ सकते हैं. दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर. यहां से ये सारे इसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं. ठीक है, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर्स. ओके, अब इन परपेंडिकुलर्स में ये भी परपेंडिकुलर है, इसे नाम दिया जाएगा नॉर्मल. डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर इज, परपेंडिकुलर्स कहीं भी हो सकते हैं. जो नॉर्मल होता है वो ऐसा परपेंडिकुलर होता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही आता है. कर्व और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, परपेंडिकुलर वहां पर जो ड्रॉ किया जाएगा, दैट इज द नॉर्मल. ओके, अब अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल के केस में हर डायमीटर नॉर्मल है. एवरी डायमीटर इज अ नॉर्मल, क्योंकि हमने स्टडी किया है दैट रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, और रेडियस का डबल डायमीटर होता है. सो व्हाट इज डायमीटर? एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सो ये हो गया नॉर्मल. नाउ y is equal to fx is a curve and x1 y1 is a point on the curve. Then the slope of tangent to this point, to the curve at the point x1 y1, this will be d by dx at the point x1 y1. मतलब इस curve का आप derivative find करो, find the derivative of the curve. Okay, और इस curve में जब आप derivative में जब आप x1 y1 point put up करोगे, instead of x you substitute the value as x1, instead of y you substitute the value of as y1. तो ऐसे केस में जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विच इज ड्रॉन टू द कर्व एट दिस पॉइंट. ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इट इज डी बाय डीएक्स एट द पॉइंट एक्स वन आई वन, कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स वन. ओके, अब इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल लोगे, ये रहा नेगेटिव रेसिप्रोकल, देन दैट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. ओके, ये है इसका कॉन्सेप्ट. नॉर्मल के लिए दिया है, नॉर्मल टू द कर्व इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं. वंस यू गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द रिक्वायर्ड पॉइंट, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग दिस. y माइनस y जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहां पे एम क्या है, दिस इज द एम. और अगर नॉर्मल है तो ये आ जाएगा. क्लियर? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. बाय दिस यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इन शॉर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन. कुछ खास बातें जो याद रखने जैसी है, अगर दो लाइन्स पैरेलल है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. अगर एक का स्लोप थ्री है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप माइनस वन बाय थ्री आएगा. पैरेलल के केस में स्लोप्स इक्वल है, अगर एक लाइन का स्लोप थ्री है तो उसको पैरेलल लाइन का स्लोप भी थ्री आएगा. एक्स एक्सिस या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका स्लोप जीरो आएगा. मतलब कल को आपको ऐसा आता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब उसका स्लोप जीरो आएगा. ओके, वाई एक्सिस या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है. इज दिस क्लियर? ये कुछ खास बातें हैं जो इस कॉन्सेप्ट में आपको काम में आएगी. प्लीज नोट इट डाउन.